गाइज मैं ये बोल रहा था कि मैं 3 महीने से यूट्यूब कर रहा हूँ, बट मुझे अभी भी वीडियो रिकॉर्डिंग ढंग से नहीं आती। मैंने लास्ट माइनक्राफ्ट के एपिसोड में गेम की ऑडियो डालना भूल गया, और अभी मैंने एक 15 मिनट्स का होराइजन जीरो डॉन का एपिसोड रिकॉर्ड किया था जिसमें मैं अपनी आवाज़ डालना भूल गया। तो देखो ये चीज़ें होती रहती हैं, यूट्यूब इज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, तो कभी कभार स्ट्रेस हो जाता है जब बंदे को, तो कभी कभार गलती कर देता है आदमी। सॉरी, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई डोंट टेक टेंशन, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, बट मैं फिर भी गलती कर देता हूँ। तो थोड़े से अब टूल्स बनाते हैं, क्योंकि टुडे इज अ माइनिंग डे, ये आज हम माइनिंग करने वाले हैं। क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, जब से मैं इस विलेज में आया हूँ मेरे पास सीरियसली कुछ नहीं है। ना मेरे पास आयरन है, डायमंड तो दूर की बात होगी, बचपन में देखा था एक बार ही बस। डायमंड तो देखा ही नहीं बचपन से, बहुत बहुत माल चाहिए हमको, अमीर होना है हमें ब्रो, 21 दिन में पैसा डबल करना है हमको, तो हमें अपनी स्कीम चलानी पड़ेगी, और स्कीम है हार्डवर्क, प्रिजिस्टेंस, आगे याद नहीं मुझे। जो भी है माइनिंग पे चलते हैं। चलो, आई होप सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है इस बारी और कोई दिक्कत ना हो वीडियो रिकॉर्ड करने में। आई जस्ट होप एवरीथिंग गोज वेल। मैं एक बारी देख लेता हूँ, ऑडियो आ रहा है, बट फिर भी हम थोड़ा बहुत हेल्प तो एटलीस्ट ले ही सकते हैं। जो बनी होती है ऑलरेडी थोड़ी वो कर्व से बने होते हैं ना थोड़े, उनमें से थोड़ी सी हेल्प तो ले ही सकते। आई एम इंडीड मैन सो आई कैन टेक हेल्प। ओके, मैं यहीं से आया था, मैं घर का रास्ता ना भूल जाऊँ बस। ऐसे एक ना यहाँ डर्ट का ऐसे पिलर विलर बना लेते हैं। ठीक है, ओ वहां पे वेन्स हैं और मुझे माइन क्राफ्ट नहीं मिली, मुझे लगा मिल गई। यहाँ पे माइन कर सकता हूँ मैं, लाइक माइन तो मैं कहीं पे भी कर सकता हूँ, मुझे माइनिंग के लिए कोई नहीं रोकेगा। वो एक माइनक्राफ्ट के हिसाब से एक माइन शाफ्ट होनी चाहिए, पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। कभी कभार देखो गाइस इधर उधर हो जाता है आदमी, तो कोई नहीं, सॉरी। यस आई वॉज टॉकिंग लाइक दिस थिंग। ओके एक मिनट, मुझे फटाफट थोड़ा सा कोल लेना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास बिल्कुल भी कोई सोर्स भी नहीं है, हमारे पास कतई कोई सोर्स नहीं है हमारे पास टॉर्च का। थोड़ा सा ना एक टॉर्च अपने पास ही रखते हैं, अभी तक शील्ड तो मिली नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। वैसे भी साइड वाला स्लॉट हम एक्वायर कर सकते हैं, एक ही टॉर्च से हम पूरी एरिया एक्सप्लोर कर लेंगे। और ये सारा कोल उठा लेते हैं, मैं कोल तो पहले भी मैंने बड़ा सारा तोड़ा था ना, तो मैं लाइक मुझे समझ नहीं आया ये बात कि अगर मैंने इतना सारा कोल तोड़ा था वो किधर, दैट गॉन। आई वॉन्ट टू आस्क कि मेरे को अभी वुड से क्यों अपना खाना पकाया, वो आई थिंक वो मेरी वो उसमें पड़ा होगा चेस्ट में। चलो ये देख रहे हो भाई, डाइंग डाइंग नहीं सॉरी, कुछ और कहते हैं इसे, जो भी कहते हैं, बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये कि एक ही बत्ती से तुम सारा ये एक्सप्लोर कर सकते हो। नाइस आइडिया, समथिंग इनोवेटिव। मैं सोच रहा हूँ बड़ा सारा ना वो बना लेते हैं, भाई साहब इतना सारा माल नहीं फेंकते। मैं अभी सोच ही रहा था कि मुझे और बनानी पड़ेगी, और बनानी पड़गी, और मतलब बनानी नहीं पड़ी बट ठीक है। बट इतना स्टोन मिलेगा ना आज की माइनिंग से, क्योंकि नीचे जाने में इतना स्टोन माइन करना पड़ेगा कि मैं ऐसी 500 बना पाऊंगा उम्मीद है, बाकी पता नहीं, हो सकता है जल्दी हमें माल मिल जाए। तो अभी तो मैं सिर्फ आयरन की तलाश में हूँ, एंड आई एम गेसिंग अ 25 आयरन राइट नाउ, बट अगर डायमंड मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। बट डायमंड पहले और आयरन बाद में, ऐसा वाला सिस्टम ना हो जाए, क्योंकि फिर मैं माइन नहीं कर पाऊंगा डायमंड्स को। मुझे नहीं पता मैं ऊपर कैसे जाने वाला हूँ, लाइक मैं जैसे वो टॉर्च वाला सिस्टम करके जा सकता हूँ, या दैट्स अ गुड आइडिया, मैं वैसे जा सकता हूँ।
Okay, I think I should time lapse it. Okay, I found something. I found the iron. I found irony. Okay. Oh, मैं कौन से लेवल पे आ गया? Okay, I am on 35 level. लावा देख के खांसी आ गई, इसलिए पहले ही बंद कर दो भाई. कुछ भरोसा नहीं आजकल. ना ना भाई, लावा पहले ही बंद कर दो. लावा से मजे नहीं. ना ना भाई, लावा से बिल्कुल मजे ना. पता है, मैं सोच रहा था कि मेरे पास इतना स्टोन. ओ भाई 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 भाई, इतना स्टोन आ जाएगा ना अभी इस गेम को, मतलब थोड़ी देर माइन करने के बाद. ओ शिट. तेरी ऐसी कैसी. ओके ओके, आई थिंक ये हमारा तीसरा आयरन है, और मुझे एक और ऑलरेडी बनानी पड़ेगी पिकैक्स. बट आयरन बहुत सारा मिल गया, तो आई थिंक हम एक आयरन पिकैक्स बना पाएंगे अब. ओ भाई, ओ लावा आसपास भी है, तो हमें ध्यान से थोड़ा रखना पड़ेगा. ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा. मैं ऐसे लाइक माइन करता गया और कुछ लावा आ गई बीच में, तो दिक्कत आ जाएगी थोड़ी. बस ये जैसे ही टूटेगी मैं आयरन बना लूंगा एक, बिकॉज मुझे पता है आयरन की स्पीड. पता है ऐसे स्टोन और आयरन की पिकैक्स की ना ऐसे स्पीड बहुत डिफर होती है. माइनिंग टाइम, यू नो इट्स अ माइनिंग टाइम. माइनिंग टाइम, माइनिंग 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 टाइम. आओ नाइस. मैं स्मोकर उठा के क्यों घूम रहा हूँ मुझे नहीं पता. बोल रहा था ना मेरे पास इतना स्टोन होगा कि मैं अपना घर इजीली बना पाऊंगा, देख लो. Oh, we got more iron. Let's go. Iron ही iron, irony. Okay, तो मुझे जैसा कि एक कमेंट में पता चला था, ये चीज मुझे थोड़ी सी इसका पहले से भी आइडिया था, बट अब लाइक यू कैन से मेरे को पक्का हो गया है कि हम 12 वाई, अगर हम अपना 12 कर ले तो देन वी कैन ग्रैब. सब लेके घूम रहा था, फर्नेस भी लेके घूम रहा था. तीन और ये एक, दो दो लॉग में आई थिंक हो जाना चाहिए. एक ही लॉग में हो जाए बस. तो और मैं कह रहा था, कमेंट आया था मुझे कि वाई को अपना 12 कर लो तो तुम्हें डायमंड मिल जाएगा. तो मैं वो चीज़ अभी ट्राई करने वाला हूँ. पहले हम आयरन की एक पिकैक्स बनाते हैं, उसके बाद मैं वो चीज़ ट्राई कर लूँगा, ठीक है ना. मैं अच्छा है लाइक, मैं तो कहता हूँ हमेशा ना माइनक्राफ्ट में वुड का स्टॉक लेके चलना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता भाई किस चीज़ की कब रिक्वायरमेंट हो जाए. और आधी चीज़ें तो भाई वुड से ही बनती हैं, स्टिक वगैरह ये चीज़ें. माई फर्स्ट आयरन टूल इन द गेम, लेट्स गो. ओह ये थोड़ा सा आयरन और ढूंढते हैं, उसके बाद डायमंड का ट्राई करेंगे. जैसा कि मैंने बोला था, मुझे 25 आयरन चाहिए. 18 आयरन मिल गया है. 25 पूरा करता हूँ मैं आयरन, उसके बाद ढूंढने की कोशिश करेंगे. कोशिश, नो कन्फर्मेशन, बट कोशिश करूंगा उसके बाद ढूंढने की अपना डायमंड. और डायमंड ढूंढने के लिए कितना नीचे जाना,
मुझे आई थिंक 15 ब्लॉक्स नीचे जाना है अप्रोक्स, मैंने अप्रोक्स लगाया है एग्जैक्ट. अरे भाई साहब खांसी हो रही है बड़ी मस्त. ओके. अरे आयरन चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए. पता है टेरेन का ये फायदा होता है, लाइक आइलैंड जो, जैसे हमारा जो पुराना वर्ल्ड था उसमें हम आइलैंड में थे, तो कह सकते हो कि मतलब वो चीज़ ना इतना इंटरेस्टिंग नहीं रहता. पता नहीं, मुझे नहीं पता. अरे यार ये बार बार में, एक तो मेरी टॉर्च गिर जाती है पता नहीं क्या. यहीं पे आयरन मिला था ना मुझे, यहीं पे माइन करता हूँ थोड़ा और, शायद और आयरन मिल जाए. या फिर आयरन मिले ना मिले, यहीं से ना पूरा वे बनाता हूँ 12 लेवल तक, ठीक है ना, ये सही रहेगा. मुझे डायमंड्स भी जल्दी मिल जाएंगे आई थिंक. अगर डायमंड मिला, मैं सबसे पहले एक डायमंड पिकैक्स बनाऊंगा, और उसके बाद, और मैं डायमंड लूंगा भी नहीं बाकी का. अगर मेरे को ज़्यादा डायमंड मिले तो मैं बाकी का डायमंड इग्नोर कर दूंगा और वो फॉर्च्यून से दौड़ूंगा, फॉर्च्यून ढूंढ कर. और इस वाले एपिसोड के बाद अगला एपिसोड मैं यही बनाऊंगा कि हाँ इंचैंटिंग वगैरह का सामान ढूंढना है मुझे, उसके बाद घर का सोचेंगे. क्योंकि अभी इस, मैंने जैसे बताया बहुत ज़्यादा स्टोन तो ऑलरेडी मेरे पास हो चुका है, तो मैं घर तो बना सकता हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं एक लाइव स्ट्रीम करके उसमें घर बना लूँगा, वो बेटर रहेगा. कितने लेवल पे पहुँच गए हम? ओके वी हैव टू माइंड 12th पे पहुंचना है ना, 8 ब्लॉक्स और माइन करने हैं. ओके इधर एक और लगा लो. ओ मुझे लावा की आवाज़ आ रही है. मोस्टली हमें डायमंड्स मिल सकते हैं क्योंकि लावा के पास ही होते हैं ना, डायमंड्स जो होते हैं वो लावा के पास ही होते हैं. तो इट कैन बी अ पॉइंट दैट वी विल बी सीइंग सम डायमंड्स वेरी सून. भाई कितना माइन करना पड़ता है यार डायमंड्स के लिए, देख रहे हो. मतलब अभी ये नई बनाई थी मैंने आयरन की पिकैक्स, और ये भी मतलब ऑलमोस्ट टूटने पे आ गई है, ऑलमोस्ट टूटने पे आ गई है. मैं लावा में ना गिर जाऊँ, बस मेरे पास बहुत सामान है. ओह वी गॉट सम गुड गुड स्टफ, वी गॉट सम गुड स्टफ. आओ मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था, मैं सीरियसली अभी लावा में गिर जाता अगर मैं ऐसे ही माइंड करता रहता तो. ओ वाओ आई एम ऑन लेवल 12. मैं फर्नेस नहीं उठा के लाया क्या आपने? लाया हूँ मैं तो. यहाँ पे थोड़ा सा ना आयरन बना लेते हैं, और मुझे 3 आयरन चाहिए. ठीक है 3 आयरन रख देते हैं फटाफट. मैं थोड़ा और ढूंढने की कोशिश करता हूँ डायमंड मिल जाए. ओ नहीं बच गया, क्या बचाया है मैंने अपनी इसको. व्हाट अ सेव. एक और आयरन पे कैक्स बना लेते हैं, और ना एक्चुअली एक और आयरन बन जाए तो मैं एक शील्ड भी बना लूँगा, दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट. और एक आयरन और जो बना है इससे मैं शील्ड बना लूंगा, बट मेरे पास शील्ड के लिए बिल्कुल जगह नहीं है. कोई नहीं. ओके अब मेरे को ये सामान एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा. ये जो मैंने फेंका है इसके बदले में मैं फर्नेस रख लेता हूँ, मुझे यहाँ तो नो लक भाई. यहाँ तो अपने को कोई डायमंड वायमंड का सीन नहीं था, बट मैं ऊपर जाके दोबारा थोड़ा माइंड करने की कोशिश करूँगा. ये लेवल 12 है, यहाँ से आया हूँ ना मैं यहाँ माइंड करूँगा. लेवल 12 पे डायमंड्स मिलते हैं, और मैं फुल लक ट्राई करूँ. और अभी आई थिंक मैं ये स्वैप कर सकता हूँ, क्योंकि अभी तो यार देखो कोई जॉम्बीज वॉम्बीज है नहीं ना, जब आएंगे तो मैं कर दूंगा चेंज, स्वैप कर दूंगा दोबारा.
आई थिंक आई एम गोना बी गेटिंग वन स्टैक आयरन इजीली इजीली बोल रहा हूँ मैं, वन स्टैक आयरन हो जाऊँ। लाइक मुझे इतना फास्ट मिल रहा है ना आयरन की, मुझे लग रहा है इजीली आई वुड बी गेटिंग वन स्टैक आयरन। रेड स्टोन भी मिल गया। ओके मुझे दोबारा लावा की आवाज आ रही है। जब जब मुझे लावा की आवाज आती है मुझे डाउट होने लग जाता है कि या आई कैन फाइट सम डायमंड्स नाउ। ओह आई गॉट वन स्टैक, सीरियसली दैट्स कूल। मेरे पास एक स्टैक हो चुका है पूरा। लाइक अभी ना ये क्या उठा लिया मैंने, ये हड्डियां वड्डियां फेंको भाई, ये रेड स्टोन उठाओ, रेड स्टोन भाई। मुझे बहुत ध्यान से माइन करना पड़ेगा एकदम भाई, लावा के अंदर गिरना नहीं चाहता मैं, मुझे बहुत ध्यान से माइन करना पड़ेगा। आई एम गेटिंग अ गुड फीलिंग कि मुझे अभी जल्दी एक डायमंड मिल। ओह ध्यान से, मुझे बहुत ध्यान से खेलना पड़ेगा, मैं मरना नहीं चाहता बिल्कुल भी। ये वही पूल है क्या? आई वांट टू सी, ये वही पूल है सीरियसली, वही पूल है ये। अगर ये वही पूल है तो ये बहुत अजीब बात है, इतनी जल्दी मुझे वो पूल फिर से टक्कर गया सीरियसली। ओके ओके पता है क्या मैं सोच रहा हूँ, इसको इग्नोर करके सीधा चलते हैं, दैट वुड बी द बेस्ट आइडिया। ठीक है इसे इग्नोर करके सीधा चलते हैं। एक दिन डायमंड मिलेगा आपने और उस दिन तक मैं रोज माइन करूंगा। ओके आई एम जस्ट जोकिंग, मैं रोज माइंड नहीं करने वाला, मेरे को और भी गेम्स खेलनी होती है। मेरे पास एक स्टैक कोल भी हो चुका है, नाइस। थ्रो दिस, वो ले लिया मैंने सारा, बहुत बढ़िया। अभी भी मैं लेवल 12 पे हूँ, नाइस। और मैंने सोचा था कि मैं टाइम लैप्स बना दूंगा, बट और ऑब्वियसली मैंने अभी तक वीडियो एडिट नहीं करी है, मैं पूरी वीडियो कंप्लीट करने के बाद ही एडिट करूँगा। बट लाइक अब पता है क्या मैं सोच रहा हूँ, एडिटिंग के टाइम पे भी शायद मेरे को ये दिमाग में आए, बट टाइम लैप्स बनाना है अगर तो माइनिंग का मतलब ही क्या हुआ, मतलब वीडियो का क्या मतलब हुआ, माइनिंग एपिसोड का मतलब। लाइक माइनिंग एपिसोड जो होता है उसका मतलब हुआ कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे मैं माइन करता हूँ, और अगर मैं वो चीज़ कटआउट कर देता हूँ तो भाई फिर वो मज़ा ही क्या आया। वो चीज़ समझ रहे हो तुम कि वो मज़ा ही क्या आया अगर मैंने वो चीज़ क्या कहते हैं कटआउट कर दी, या फिर मान रहे हो कि मैंने वो चीज़ माइंड कर दी, कुछ भी कह सकते हो कि मैंने वो चीज़ काट दी, आई डोंट नो मे बी। Okay, there are some zombies once more. I got some zombies once more. I saw some zombies once more. मैं इस साइड माइन करूंगा थोड़ा और उसके बाद दूसरी साइड जाऊंगा अगर नहीं मिलेंगे डायमंड्स तो। हाँ ऑब्वियसली मैं समझ रहा हूँ कि बहुत देर तक अगर कुछ नहीं मिला तो मैं वो चीज काट सकता हूँ ऑब्वियसली, और वो थोड़ा सा पार्ट बना सकता हूँ। बट अगर मैं माइनिंग को पूरा ही एकदम टाइम लैप्स करके 2 सेकंड में तुमको दिखा दूंगा तो फिर वो मजा नहीं आएगा, वो एक्चुअली मजा नहीं आएगा वीडियो रिकॉर्ड करने का, एक माइनिंग एपिसोड रिकॉर्ड करने का। देयर इज नो यूज ऑफ रिकॉर्डिंग अ माइनिंग एपिसोड। प्लीज ये तोड़ दियो सारा, ये प्लीज जितना भी आयरन है ये तोड़ दी। 46 आयरन, आई एम सीरियसली गेसिंग दैट आई वुड बी गेटिंग वन स्टैक आयरन वेरी इजीली हियर। ओके मुझे बनाना पड़ेगा और सामान बनाना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे हम लगा देते हैं अपना सामान। ओके और अपना फर्नेस,
फर्नेस हम यहाँ रखते हैं, और इसमें एक दो तीन आयरन रखते हैं, साथ में एक दो तीन तीन कोल भी रख देते हैं, और मैं तब तक एक शॉर्ट ब्रेक लेकर आता हूँ, और तब तक तुम लोगों के लिए मैं ये वीडियो पार्ट काट दूंगा, डोंट टेक टेंशन, ओके। और ये वाला स्टोन आगे कर लो ताकि मुझे पता रहे कितने स्टोन्स हो गए हैं। एंड आई थिंक उस साइड जाता हूँ मैं थोड़ी देर, बिकॉज इधर नो लक है काफ़ी देर से। लेट्स ट्राई फॉर सम टाइम मोर, रेड स्टोन इकट्ठा कर लेते हैं जितना दे रहे हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। ओके आई थिंक आई वुड बी माइनिंग स्ट्रेट 5 मिनट्स मोर, एंड इफ आई विल नॉट गेट एनी थिंग आई विल गो बैक टू दैट साइड। ओके आई एम हियरिंग इट्स अगेन। ओके मुझे लावा की फिर से आवाज़ आ रही है, प्लीज़ भगवान इस बारी बिना डायमंड्स के मत छोड़ना ये लावा पूल, बस लावा के अंदर मत दे देना, नहीं तो थोड़ा ज़्यादा जोखिम हो जाएगा लेने में, बट कोई ना मैं फिर भी निकाल लूँगा अगर आप उसमें भी दोगे तो, बट दे दो बस, अब दे दो, बड़ा देर हो गया डायमंड नहीं देखा, बड़ी देर से, बड़े दिनों से नहीं देखा, देर क्या, बड़े दिनों से नहीं डायमंड देखा। ओके लीव दिस एरो, मैं 12 पे ही हूँ ना, बहुत बढ़िया, लेट्स गो, आई एम फीलिंग द डायमंड, इस बार ही निकलेंगे देखना, इस बारी पक्का निकलेंगे। और एक कितना रेड स्टोन मिल रहा है भाई, कितने बढ़िया बढ़िया फार्म्स बना सकता हूँ, मुझे पता है इसके साथ मैंने एक दो बनाए भी थे, बट लाइक मैं और बना सकता हूँ। ओके मुझे पानी की आवाज़ आ रही है, पहले मुझे लावा सुनाई दे रहा था, अब मुझे पानी सुनाई दे रहा है भाई, कितना मिल रहा है ये। आई होप मेरे पे एकदम से अटैक ना कर दे ज़ॉम्बीज, बिकॉज आई एम ऑब्वियसली नॉट रेडी फॉर देम राइट नाउ। अभी तो आगे माइन करते हैं, आगे से ही आवाज आ रही है आई थिंक। ओके ओके भाई बड़ी देर हो गई, कुछ भी नहीं मिला, मतलब रेडस्टोन बहुत सारा मिल गया, आयरन बहुत सारा मिल गया, बट आई एम फाइंडिंग फॉर द डायमंड। ओके मेन थिंग इज द डायमंड, आई वॉन्ट टू फाइंड द डायमंड्स। और पता है क्या, मैंने एक और गलती करी, मेरे को वैसे तो बहुत पास ही माइन कर रहा हूँ मैं, इतना कोई दूर नहीं हूँ मैं, बट स्टिल मुझे ना कोऑर्डिनेट्स ले लेने चाहिए थे ताकि मैं जब वापस जाऊँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो अपना घर ढूंढने में, बट आई डिडंट डन दैट, आई नो आई एम अ नूब, आई एम नॉट अ नूब, बट आई डिड अ मिस्टेक, इट्स ओके आई विल फिक्स इट नेक्स्ट टाइम। अरे भैया हाथ थक गए माइंड करते करते, मतलब मैं माइंड नहीं कर रहा बट ऑब्वियसली मैं उसकी फीलिंग समझ रहा हूँ, मेरे हाथ थक गए माउस पे क्लिक बटन दबाते दबाते, बट हमारा काम नहीं हुआ अभी तक। ग्रेवल फेंक दो, स्टोन उठा लो, पीछे कोई फेंक के आया तो वो भी उठा लो, वैसे तो फेंका नहीं हुआ, मैं बड़ा बड़ा पंचुअल हुई इस चीज़ में, बट मैंने फेंका नहीं कोई। भाई पता है मैं मैंशन बना सकता हूँ सच्ची, मेरे पास इतना स्टोन है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ,
पता नहीं कितना स्टोन है भाई, मुझे पता नहीं, समझ नहीं आता मुझे तो। अरे मुझे डायमंड दे दो, मैं इतने स्टोन का क्या करूंगा। डायमंड चाहिए मुझे, डायमंड डायमंड। अरे भाई साहब, एक स्टैक आयरन ही पूरा हो जाए। अगर डायमंड नहीं मिलेगा तो फिर वापस चले जाएंगे एक स्टैक आयरन के साथ। ओ वाओ, एक ही आयरन रहता है सिर्फ एक स्टैक पूरा करने के लिए। मेरे पास स्टिक्स ऑलरेडी हैं, मेरे को बस ये लगाना है। ओके, पानी मेरे ख्याल से बहुत पास है, इस बार ही डायमंड मिल जाए। ओके, आई ऑन ट्रैक अगेन। या ओह, कंप्लीटेड, आई थिंक वन स्टैक कंप्लीटेड। वेल ओके देन, आई गॉट मोर देन वन स्टैक। मैं सो जाऊं क्या अगर? ओह नहीं, लीव द, मैंने बहुत गलती कर दी। या छोड़ो, कोई नहीं, ठीक है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर भी दी और नहीं भी करी। अगर मैं अभी आउट होता तो मैं घर पहुंचता, और मेरे पास कोऑर्डिनेट्स नहीं है, मुझे ढूंढना पड़ेगा मेरा घर। दैट्स नॉट अ गुड साइन एक्चुअली, बट स्टिल कोई ना। ओके, अरे यार कितना टाइम लगेगा, डायमंड्स नहीं मिलते मुझको। नीचे माइन करूं क्या? नीचे से आवाज आ रही है क्या? इधर से आ रही है, इधर माइन करता हूँ, शायद पानी मिल जाए। ये पानी जहाँ है ना भाई, यहीं से कुछ निकलेगा, मैं बता रहा हूँ। वाह, इतना माल मिल चुका है, मैं क्या बताऊँ। रेड स्टोन तो अंधा बड़ा भाई, इतना रेड स्टोन है मैं क्या बताऊँ। बट कोई नहीं, अगर हमें डायमंड नहीं भी मिला तो सबके फर्स्ट अटेम्प्ट में हम सबको डायमंड नहीं मिलता, तो कोई नहीं। अगर मुझे नहीं डायमंड मिला तो भी कोई ना, बट मुझे आयरन बहुत सारा मिल गया तो आई एम हैप्पी अबाउट दैट, बिकॉज मैं अपना आर्मर बना सकता हूँ, मैं अपनी चीज़ें बना सकता हूँ, और मुझे और आयरन मिल गया। वाह, इट्स क्रेजी। ओके, और कितनी देर लगेगी डायमंड्स मिलने में? आई वांट डायमंड्स। आओ, वी गॉट गोल्ड, चलो कुछ तो मिला, खाली हाथ तो नहीं जाना पड़ेगा। एटलीस्ट डायमंड्स नहीं तो गोल्ड सही, बट मिला तो सही कुछ। अरे छोड़ो भाई, गोल्ड दो, गोल्ड गोल्ड। ओके चलो, गोल्ड मिल गया, अब तो डायमंड दे दो। अब तो मुझे खुद पे उम्मीद हो गई है कि शायद डायमंड मिल जाए, शायद। मैं 12 लेवल पे ही माइंड, मैं 10 पे आ गया शायद, इसलिए डायमंड नहीं मिल रहे हो। मेरे पास सीरियसली, मुझे लग रहा है 2 स्टैक आयरन हो जाएंगे। मेरा दूसरा स्टैक जो है वो भी 20 पहुंच गया ऑलमोस्ट। वाह, मतलब ऑलमोस्ट मेरे पास 80 आयरन प्लस है, 84 आयरन है मेरे पास। इतना आयरन है ना मेरे पास, क्या बताऊँ मैं। भाई आयरन और बहुत सारी मिली है मुझे। आई कैन नॉट लीव दिस,
जस्ट थ्रो दिस एंड गेट ऑल द स्टोन्स, पीछे भी जितने छोड़ के आया हूँ वो भी उठा लेता हूँ। ओके फिर से भर गया, अब क्या फेंकू? ये फेंक दो, जितने भी छोड़ के आया हूँ ना सब लेके जाऊंगा भाई, ऐसे ऐसे छोड़ने वाला मन से नहीं हूँ मैं। चलो कोई ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑलमोस्ट 11 स्टैक्स होने वाले हैं मेरे पास स्टोन के। 11 स्टैक स्टोन मेरे पास, इतना स्टोन है भाई मैं क्या बताऊं, अंधा स्टोन है मेरे पास, अंधा कितना स्टोन है क्या बताऊं। मैं सीरियसली एक्सपेक्ट करके आया था कि मुझे सिर्फ 32 या 25 आयरन मिल जाए, मेरे लिए बहुत है। ओके नो लोक, मुझे अभी तक कोई डायमंड नहीं मिला और मैं ऊपर जा रहा हूँ। और मुझे एक और तरीका पता है जिससे मैं सैंड या कोई ऐसी चीज़ में फंसूंगा नहीं, वो है एक टॉर्च यहाँ लगाना, उसके बाद एक टॉर्च यहाँ पर, मतलब वो ऑब्वियसली कंपलसरी नहीं है बट मैं ऐसे अगर माइन करूँगा ना तो मैं ऊपर भी जा सकता हूँ और कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। ओके आई थिंक मुझे 34 तक जाना पड़ेगा, उसके बाद ही आई थिंक लैंड आएगा, बट जितना भी आएगा ये तो अब भगवान ही जाने जितना आएगा। ओ भाई साहब कैसी सी आवाजें आ रही हैं, आई थिंक ये लास्ट है। इफ इट इज देन नाइस, आई थिंक बारिश आ रही है बाहर। ओके इट वॉज नॉट लास्ट, ओके आई हैव टू माइन अ लॉट, मैं बहुत नीचे हूँ बट आई एम ऑलमोस्ट गेटिंग 1.5 स्टैक्स ऑफ आयरन एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रेड स्टोन एंड 10 गोल्ड। आई डोंट नो अब गोल्ड में मेरे को इतना कुछ याद नहीं है गोल्ड का काम क्या होता है, बिकॉज मैं बहुत टाइम बाद माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ, मतलब ऐसे नहीं मेरे को पता है मैं बहुत दिनों से रिकॉर्डिंग्स डाल रहा हूँ माइनक्राफ्ट की, बट वैसे कह सकते हो कि मैं बड़े दिनों से माइनक्राफ्ट खेला नहीं हूँ, ये 2 दिन ही हुए हैं मुझे अभी खेलते हुए, तो मुझे गोल्ड का एग्जैक्ट यूज़ तो याद नहीं है। मेरे पास कोल भी है बहुत सारा, मैं पता नहीं क्या क्या लेके घूम रहा हूँ, मेरे को भी याद नहीं है वो तो ढंग से, मुझे इतना ज़रूर पता है बहुत कुछ है मेरे पास। मेरे पास और कुछ है क्या एंडरसाइट टाइप? नहीं मुझे अपना ये एक जो ये पूरा नहीं हुआ था ना इसका कुर्बान कर देते हैं कोई। ओके ओके भाई साहब इतनी देर से माइन कर रहा हूँ कि क्या ही बताऊँ, थक गया बहुत। कितनी देर लगेगी पहुँच गए? आई थिंक इस बार ही पहुँच गए। ओह फाइनली
भाई मैं कहाँ, आई नो मैं कहाँ पे हूँ, यही मैं, वाह भाई यहाँ मैंने बनाया था और मैं यहाँ पे निकला हूँ। सीरियसली कितना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है मुझे नहीं पता। आई एम वेरी क्लोज टू माई हाउस, वेरी क्लोज। मैं बस ये वाला पहाड़ पार करूँगा, ये पहाड़ भी गया, ये छोटा सा रॉक माउंटेन टाइप पार करूँगा और आई वुड बी गुड टू गो। तो गया ठीक ओके अब मैं आर्मर भी बना पाऊंगा सारा। ओके फाइनली आई कैन सेट माई रिस्पॉन पॉइंट हियर एंड वी आर बैक एट हाउस। मैं एक और लार्ज चेस्ट बनाऊंगा यहाँ पे, उसमें मैं सारा सामान डाल दूंगा। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू, साइन ऑफ, पीस आउट। 43 मिनट्स का माइनक्राफ्ट सेशन है, माइनिंग सेशन था ये, और मैं ट्राई करूंगा कि मैं इसको कट ना करूं कोई भी पार्ट। ऑब्वियसली रेंडर तो करनी पड़ेगी वीडियो, तभी मैं अपलोड करूंगा, क्योंकि हाई क्वालिटी में अपलोड नहीं होगी नहीं तो। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू नॉट कट एनी पार्ट, बिकॉज इस वीडियो का टाइटल ही ये है, माइनक्राफ्ट सेशन, सॉरी माइनिंग सेशन। पीस आउट।